Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today 10th July 2019 Wednesday सुबह के 8:10 हो रहे हैं. ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है आज का इस वीक का. लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस फ्राइडे और मंडे को हमने जबरदस्त फॉल देखा. उसके बाद कल कुछ निफ्टी इंडेक्स एक पॉज लेता हुआ दिखाई दिया. क्या ये अप ट्रेंड में फिर से कन्वर्ट हो सकता है? क्या यहाँ से रिवर्स हो सकता है? देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. और एक बात है, हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं स्क्रीनशॉट्स हमें भेज रहे हैं प्रॉफिट्स का, तो काफ़ी अच्छा लगता है. आप अपना प्रॉफिट का जो स्क्रीनशॉट है हमसे शेयर करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. तो थैंक यू सो मच. देखते हैं कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 9 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर आए बटन में मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,518 के पास, और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,522 के पास. तो जैसे आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और तुरंत 11,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ. और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट था 11,488, ये भी अचीव हुआ. इन लेवल्स को जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, काफ़ी रिस्पेक्ट किया इन लेवल्स को, तो ये लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट कल साबित हुए. और ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, यहाँ से एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया. बाउंस बैक दिखाने के बाद जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस का काम किया. इसके ऊपर नहीं जा पाया. अगर ये ब्रेक होता तो और हमें अपसाइड मूव यहाँ से दिखाई दे सकती थी. तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ ये. और उसके बाद में हमारा ब्रेकडाउन लेवल फिर से एक बार वापस इसने रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट किया, इसके नीचे नहीं गया. तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज चालू है. इस लेवल के नीचे जाने निफ्टी को काफ़ी तकलीफ हो रही है. जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था ये 100 EMA या 100 SMA के पास ये लेवल आ रहा है. तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हो सकता है. तो कल के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, हालांकि नास्डैक 43 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार भी देखें तो हल्की सी कमजोरी वहाँ पर देखने को मिली, लाल निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई और चाइना मार्केट एक हल्के से कमजोरी के साथ लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और हांगकांग मार्केट 62 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर देखें तो वहाँ पर अभी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, हल्की सी बढ़त है. और SGX निफ्टी यहाँ पर हल्की सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच में थोड़ा तनाव और बढ़ रहा है. अगर इनमें वॉर सही में अगर छिड़ता है और बाकी के कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो अब तक का ये सीनारियो है ग्लोबल मार्केट का. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. ये है निफ्टी का वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में देखे RSI सपोर्टिंग इंडिकेटर, तो इसने यहाँ पर लोअर हाइज बना के ये जो एवरेज लाइन है इसको कट कर दिया है. लेकिन अभी भी ये 50 जो मिड लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पर बुल का स्ट्रेंथ अभी भी है ऐसा कहा जा सकता है. MACD देखे तो इसने जीरो लाइन के ऊपर एक निगेटिव क्रॉस ओवर दिखाया. दोनों भी निगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि MACD जीरो लाइन के ऊपर है अभी भी, और ये RSI 50 यानी मिड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है. प्राइस एक्शन को देखें तो अभी 2 ट्रेडिंग सेशन हो गए इस वीक के, अभी भी ये वीक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. तो 20 EMA के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, क्लोज कर रहा है. 2 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं तो ये 20 EMA एक जबरदस्त सपोर्ट है एज पर वीकली चार्ट, जो कि अभी अराउंड 11,558 के पास है. अगर ये
निफ्टी इंडेक्स वीकली चार्ट में 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोज होता है तो ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ सकता है। अभी भी ये 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी अपसाइड मूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं और यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं ये जो क्लोज है, ये जो बॉटम पकड़ा है क्लोज का, इसको ये काफी रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को। इसका थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ, ये इन बॉटम को पकड़ के हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होता, अभी भी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर, ये यहाँ पर इसने फर्स्ट ये बियरिश कैंडलस्टिक बनाया और यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट किया। नेक्स्ट वीक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन वीक क्लोज होते वक्त ये फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन काफी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी इंडेक्स। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे वीकली चार्ट में ये क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ से ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर 20 ईएमए के नीचे क्लोज होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस वीक के, देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या नहीं। अभी भी जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड वो कंटिन्यू है, जब तक ये 20 ईएमए को एज पर वीकली चार्ट ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने देखा यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना और इसके बाद ये अभी कंफर्मेशन मिल रहा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन डेली चार्ट में देखें तो कल यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। जब भी ये डाउन ट्रेंड में ऐसा पैटर्न बनता है, हैमर यानी ये जो नीचे का टेल है, शैडो है, वो काफ़ी लंबा होता है और निफ्टी या कोई भी स्टॉक उस दिन लो के बाद ऊपर आके जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही ऑलमोस्ट क्लोज होता है, तभी यह ऐसा पैटर्न बनता है। तो हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक शॉर्ट टर्म रिकवरी यहाँ से, या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए यहाँ पर इसे हर्डल्स है 20 ईएमए 50 ईएमए, इनको पार करना होगा। तो अभी ये जो सिग्नल आया है इसको मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव आ सकता है। ये 100 ईएमए को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 100 ईएमए के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर आके फिर से एक बार क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ से शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव एक देखने को मिल सकती है। हालांकि जब तक ये 20 ईएमए 50 ईएमए के क्रॉस करके फिर से ऊपर नहीं चला जाता, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होंगी ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का हाई अगर ब्रेक करता है, यानी अराउंड 11,583 के ऊपर सस्टेन करता है, तो क्विकली फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 11,605, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट ये जो 20 ईएमए का पिंक लाइन है, अभी ये फिलहाल आ रहा है 11,640 के पास, तो अराउंड 11,675 या 6 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्विंग लो बना है यहाँ पर। तो इस स्विंग लो को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है, यानी ये जो बियरिश कैंडल का लो है अराउंड 11,512, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,483, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,459, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड